और यहाँ पे भी आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे भी इलीगल झोपड़े बनाए गए हैं। बहुत तकलीफ है, इधर दारू बेची जाती है, लड़कियाँ लाती है, इधर रात में आते हैं लड़की लेके, चलो दारू, ये क्या अच्छा लगता है क्या? आजू बाजू लोग रहते यहाँ पे हटकर करके फैमिली है, उन्होंने ये कब्जा करके बनाया हुआ है। किसी ने कोई राजनीतिक पार्टी के दूसरे पार्टी के उन्होंने नहीं बनाया, वो मंदिर है बाबा साहब। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में बने बौद्ध विहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आबा कदम और हाटकर परिवार के बीच में जमकर मारपीट भी 3 से 4 दिन पहले हुई थी। बौद्ध विहार के सामने बने मकान को और बौद्ध विहार को मनपा ने आज वहां पहुंचकर सील कर दिया है। खुद को दलित समाज का नेता बताने वाले प्रवीण पवार और प्रवीण पवार के साथ कई कार्यकर्ता मनपा अधिकारियों के साथ सम्राट नगर में पहुंचे और सील करवाया। मनपा अधिकारी ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद ही सील किया गया है और इसे कार्रवाई कर तोड़ने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। दोनों तरफ के लोगों को बुलाकर मनपा कार्यालय में बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। वही बताया जा रहा है कि हाटकर ने सम्राट नगर के ऊपर बाईपास के तरफ 2 से 3 रूम बनवाए हैं, जिस पर कार्रवाई करने की मांग प्रवीण पवार और स्थानीय लोग कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले में ये भी बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है राजनीति के तहत किया जा रहा है। प्रवीण पवार और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बताया है आपको सुनाते हैं। कार्रवाई क्या की गई यहाँ पर? ये बौद्ध विहार जो है इसका काफ़ी विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, सील किए हैं, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे जो कंप्लेंट आई थी, हाँ, तो कंप्लेंट के अनुसार से यहाँ पे हम लोग अभी आए, तो जो भी ये भानकम जो किया है और ये बौद्ध विहार वाले जो लोग है, ये नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा कहना है, तो उनको सबको हेड ऑफिस में TMC के सामने हियरिंग के लिए बुलाया है। अच्छा, कंप्लेंट क्या मिली थी आपको? कंप्लेंट की जो आना था भानकम यहाँ पे कर रहे हैं लोग, हाँ, और ये पहला जो वहाँ पे दरवाजा था वो बंद करके आना दूर बंद कम किया है, तो ऐसा कंप्लेंट आने के बाद तो हम लोग आए। अच्छा, बौद्ध विहार के सामने ये बनाया गया है रूम, तो क्या कार्रवाई करने के लिए? अभी कार्रवाई क्या है उनको दोनों को, अभी अभी तो फिलहाल सील किया गया है। सील किया है तो कार्रवाई करने के लिए लेटर दिया गया है या सिर्फ सील करने के लिए? मतलब तोड़ने के हिसाब से लेटर दिया है। फिलहाल AMC जो है उनकी तबीयत खराब है, तो आएंगे तो दोनों को हियरिंग के लिए बुलाएंगे, जो है उचित कार्रवाई तभी हो जाएगी। प्रवीण भाई, क्या मामला है? अभी मनपा के अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या हुआ था? एक मिनट खामोश। सम्राट नगर पानी की टाकी के बाजू में बाबा साहब अंबेडकर भवन के नाम से, समाज मंदिर के नाम से प्रभाग समिति से फाइल बनाया था, गया था 10 लाख का प्रभाग सुधारना निधि से। उस जगह पे अभी रूम भी बने हुए हैं और जो उसका गेट बना हुआ था वो भी क्लोज करके, खिड़की क्लोज करके दूसरी जगह से गेट वगैरह बनाया गया है और उस पर अंदर मोटर वीटर लगा के, मतलब वो फैमिली यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोगों ने तकरार दिया था प्रभाग समिति में। तो प्रभाग समिति के वार्ड ऑफिसर और डिप्टी इंजीनियर शिंदे साहब भी आए थे, उन्होंने अभी इसे सब सील किया हुआ है। और यहाँ पे भी आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे भी इलीगल झोपड़े बनाए गए हैं, तो ये भी इन्होंने सर्वे करके गए हैं अभी। अच्छा, ये झोपड़े जो है ये दोनों तरफ का जो बताया जा रहा है, हाँ, किसने बनाया था ये? यहाँ पे हटकर करके फैमिली है, उन्होंने ये कब्जा करके बनाया हुआ है। अच्छा, और नीचे जो बौद्ध विहार की जगह है उसके सामने जो एक रूम बनाया गया है, तो मनपा अधिकारियों ने अभी उसे सील किया है। उन्होंने सील किया है, उन्होंने कहा है कि हम एक दो दिन बाद सागर सालुंके के साहब के इधर मीटिंग रखेंगे, वहाँ पे सबको बुलाएंगे, दोनों पक्ष का सुनना, सब इन्फॉर्मेशन लेके वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो और बांधकाम विभाग के जो शिंदे साहब है, उन्होंने फोटो वगैरह लिया है, जो फाइल में था, जहाँ से डोर था, जहाँ से विंडो थी, वो क्लोज किया गया हुआ है, उसके ऊपर भी एक्शन। जो बौद्ध विहार बनाया गया है तो वो किसने बनवाया था? प्रभाग सुधारना निधि से, रूपाली गोटे मैडम के निधि से वो बना हुआ था, 10 लाख का वो फाइल था, भुजंग साड़वी करके कॉन्ट्रैक्टर थे। प्रवीण भाई, ये भी बताया जा रहा है कि जो बौद्ध विहार बना है वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी या समाज सेविका ने बनवाया था, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि राजनीति हो रही है, राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, TMC का जो बांधकाम विभाग है वहाँ पे आपको उसकी फाइल मिलेगी, 10 लाख की फाइल है, प्रभाग सुधारना निधि से बना हुआ है, रूपाली गोटे मैडम का उसका लेटर है,
आप वो जाके चेक कर सकते हैं कि उनके निधि से वो बना हुआ है, किसी ने कोई राजनीतिक पार्टी के दूसरे पार्टी के उन्होंने नहीं बना कि वो मंदिर है बाबा साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कावेरी है, अनंता हटकर। मिल खंबे का डर देता हूं। यहाँ पर ये रूम जो बने थे, इससे क्या तकलीफ थी आपको? इससे बहुत तकलीफ है, इधर दारू बेची जाती है, लड़कियां लाती है, सब कुछ आता है इधर, लेकिन इधर कोई ऐसा मुंह करके बोलता नहीं है। चलो हाँ, सब डरते हैं, उसकी माँ गाली गलौज करती है, इधर कोई भी अच्छा नहीं है। अभी तो फिलहाल बंद है, इसमें कोई रहता नहीं? कोई नहीं, रात में होता था पहला। अच्छा, कितने कितने महीने पहले या कितने दिन पहले? 2 साल से हो रहा है, अभी 2-3 महीने से बंद है। 2-3 महीने दारू चरसी गांजा सब इधर होता था, लेकिन कोई मुंह उठा के नहीं बोलता था। अभी जैसे यहाँ के समाज सेवक हैं जो लोग, वो आवाज उठाए हैं इस पर? वो सही है, वो सही है, वो लोग जो अभी आए वो सही है। जो पहला हमारा झगड़ा हुआ था, तलवारी लाते थे, गाली गलौज करते थे, दारू विकायचा, बबल्या विकायचा, इनके बच्चे थे दारू बेचते थे। हाँ, इधर का हिस्सा मालूम है क्या? ये लोग है बेचारे काम धंधे वाले लोग है, ये लोग का किसके आने का शाम को आदमी इनका इनको ये लोग डर बताने का, गौतम हटकर के बच्चे और वो लोग और वो अल्टर सिटी केस छूटे छूटे वो वही केस पे धमकी, ऑटो साहब की धमकी, हमारा भी चलता है खाली खाली है, कमाने धंधे वाले कमा के खाने वाले इधर रात में आते लड़की लेके, चरस दारू ये क्या अच्छा लगता है क्या? आजू बाजू लोग रहते हैं, मंदिर है, कोई मूर्ति है अंदर, वहाँ बांबू पड़े हैं, टेबल पड़े हैं, 2 ड्राम पड़े हैं, गोदरी बिजली दारू की बाटली पड़ी है वहाँ पर। अभी हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? हम लोग है मुसलमान, वो सबसे हम लोग आवाज नहीं उठाते थे, वरना भैया जय भीम वाले साथ है तो हम सब एक है, जय भीम वाले मुस्लिम सब एक है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं।